तो मैंग भाई, आप ओवरऑल कितना सेटिस्फाइड है अपने इस परचेज से? अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट करूं तो 8। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन द चैनल। मैं हूं आप सभी का भाई नवीन डागर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो गाइस, आज आप देख सकते हैं हमारे पास ना GT 650 Continental GT 650, बहुत ही मतलब हैवी वेट में तो है ही हैवी, वैसे भी परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही हैवी है। तो भाई आज इसी का ही ना एक ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। मतलब आपके अगर कोई भी डाउट्स है ना इस बाइक को लेकर, तो आज की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आज ओनर है हमारे पास इसी बाइक के, तो इसके ओनरशिप रिव्यू से हम आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी दमदार वीडियोस हम आपके लिए आए दिन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको ओनर से मिलवा देता हूं, उसके बाद सारी चीजें एक एक करके जानते हैं ओनर से ही सीधा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये अपने मयंक भाई हैं। मयंक भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो भाई ये मयंक भाई हैं और इन्हीं की ये बाइक है, ये रही GT 650 रॉयल एनफील्ड की। तो अब सारी चीजें ना मैं एक एक करके मयंक भाई से जानने की कोशिश करता हूँ। तो मयंक भैया, सबसे पहले ना हमें ये बताओ कि आपकी जो बाइकिंग जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई, मतलब कहाँ से आपने शुरू करी और कहाँ आप आके इस पे रुके हो? यार, मैंने शुरू करी थी मेरी पापा की बाइक से, वो थी पैशन प्रो। मैंने करीब 4-5 साल वो चलाया, फिर उसके बाद जब मेरी बैचलर्स ख़त्म हुई तो फिर मैंने पल्सर NS 200 ली थी, BS4 मॉडल। फिर वो भी मैंने 2-3 साल यूज़ करा। फिर उसके बाद फिर मैंने अब ये ली है BS6, अभी 2022 का मॉडल है। इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे को अब ये था कि मैंने जब पल्सर चला ली थी तो मेरे को अब ये था कि यार रॉयल इनफील्ड चाहिए मेरे को लाइफ में, तो इस वजह से मैंने रॉयल इनफील्ड चूज़ करी। इसकी जो लुक्स है उस पर तो मैं शुरू से ही फिदा था, जब से GT 35 आई थी। तो बस फिर तो यही था कि अब ये आ गई, अब ये लेनी ही है। तो भाई आप लोग ना एक बार मयंक भैया का साइज़ देख सकते हो भाई, इनकी हाइट 6 फुट की है। और इनका वेट कितना होगा भैया? मेरा यार अभी है 97। तो भाई भैया के वेट के हिसाब से ना मतलब यही एक बाइक थी जो भाई की पर्सनैलिटी को सूट कर रही थी। अब अगर भाई इसके अलावा कुछ और देखते ना तो सारी बाइकें भैया के सामने बच्ची लगती है, भैया कहीं ना कहीं मतलब पूरी खाली पर्सनैलिटी है। तो मयंक भैया हमें ये बताइए, अब कितने की पड़ी थी आपको ये? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 352 की। 352 ऑन रोड? आपने फुल कैश ली थी या लोन कराया था? मैंने एक्चुअली लोन कराया है। ओके। उसमें मेरा 17,000 के आसपास का EMI बनता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 ईयर्स का। तो मयंक भाई, जैसे आपने बताया कि आपने NS 200 से शुरू किया था, और कहीं ना मतलब हर किसी को जो बाइकिंग का इंटरेस्ट चालू होता है ना वो पल्सर से ही हुआ है। मतलब आज ना कल कभी ना कभी हर किसी को पल्सर पसंद रही है। तो अब ना मयंक भाई हमें ये बताओ, आपने कितनी चला ली है बाइक? मैंने चला ली है करीब करीब 1600 किलोमीटर। तो अब ना मतलब आपको एक रफ आइडिया तो लग गया होगा कि आखिर बाइक में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं। हाँ। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप ना व्यूअर्स को बहुत ही ऑनेस्टली बता दो कि भाई ये सारी अच्छी चीज़ें और ये सारी बुरी चीज़ें हैं। तो भैया सबसे पहले ना हम सारी अच्छी चीज़ों से शुरू करेंगे कि भाई सबसे पहला रीज़न जैसे कि अब बस यही लेनी है इसलिए आपने ये बाइक चूज़ करी। देखो, सबसे पहला रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया, GT 535 देखी थी उसकी वजह से मैंने ये ली। प्लस इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस प्राइस रेंज में आपको पैरेलल ट्विन इंजन कोई और बाइक नहीं देती, ठीक है। उसके अलावा आपका इसमें रेट्रो लुक्स आते हैं जो मेरे को चाहिए थे, रॉयल इनफील्ड का नाम हो गया। प्लस सर्विसबिलिटी बहुत अच्छी है बाइक की, कहीं पर भी आप ले जाओगे सर्विस करवा सकते हो इसकी, रॉयल इनफील्ड सब जगह अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसमें अब करते हैं इंजन की बात, तो इंजन ऑब्वियसली जैसे पैरेलल ट्विन है तो रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बिल्ड करा हुआ है इंजन को, पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, टॉर्क अच्छा है इसका, लो एंड पे भी बहुत अच्छी पुल अप करता है इंजन। प्लस एकदम ऐसा मिनिमलिस्टिक बाइक है तो ज़्यादा आपको इश्यूज भी नहीं होंगे, जैसे कई बाइक्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर कभी मान लो फंक्शन ना करें ठीक से तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेसिक बाइक है, आपको डुअल चैनल ABS दे रखा है, सब कुछ आपको दे रही है कंपनी, तो एक परफेक्ट पैकेज है मेरे हिसाब से इस प्राइस में। तो चलिए मयंक भाई, अब ना हमें एक एक करके मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ। तो जैसे आपने परफॉर्मेंस बता दी कि भाई परफॉर्मेंस टॉप नॉच की मिलती है, लेकिन इसका जो वेट है वो भी काफ़ी हैवियर साइड है, मतलब 200-204 किलो के आसपास है। तो कहीं पर भी आपको टर्न लेते हुए या कहीं भी लेते हुए बाइक भारी नहीं लगती? यार मेरे को देखो, मेरा जिस हिसाब से वेट है ना, नॉर्मल चलाऊंगा, नॉर्मल अगर लीन भी थोड़ा बहुत अगर करता हूँ तो तब भी वेट इतना फील नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जब हम यू टर्न लेते हैं। अच्छा। क्योंकि यू टर्न में आपको एक पैर नीचे रखना पड़ता है इसके साथ ताकि बाइक डिसबैलेंस ना हो। बिल्कुल, वो चीज़ है। तो जैसे इसमें ना एक इंटरसेप्टर भी आती है,
है ना, जिसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा ऊंचा है, काफ़ी स्टडी सिटिंग पोस्चर है, तो आपने वो भी नहीं ली, आपने यही वाली क्यों ली, जबकि इसका सिटिंग पोस्चर तो थोड़ा डाउन साइड है और मुझे आप जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी बाइक में घूमने वाला पूरा सिस्टम लगा हुआ है ना, सैडल बैग वगैरह के लिए कैरियर लगे हुए हैं, तो आपका मतलब ट्रैवलिंग का काम इससे डेफिनेटली होने वाला है, तो आपने वो छोड़ के ये वाली क्यों ली? यार देखो मेरे को चाहिए थी कैफे रेसरी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट तो यही है। दूसरा, मैंने टेस्ट ड्राइव दोनों बाइक्स की ली थी, इंटरसेप्टर की भी ली थी, इसकी भी ली थी। मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है कि मैं 6 फीट का हूँ, तो जब मैं इस पर बैठता हूँ ना, तब भी जो मेरी बैक है वो स्ट्रेट ही रहती है, क्योंकि मेरे एक तो हाथ भी लंबे हैं। अच्छा, मैंने इसलिए भी ये ली। इंटरसेप्टर में भी सेम चीज़ है, नो इशूज, बट इस पर यह है कि इस पर भी मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। तो जब मेरी ये चीज़ दोनों बाइक्स पे जो है कंप्लीट हो रही है, तो फिर मैंने इसी को लिया। मैं कहा जब इस पर भी वही चीज़ कर रहा हूँ मैं इसी को प्रेफर करूँगा फिर। बिल्कुल भैया, ये मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना सिटिंग पोस्चर जो भी कंफर्टेबली जिस पे आप बैठो, बाइक हमेशा वही लेनी चाहिए। yes. क्योंकि रोज़ की रोज़ हम बाइक नहीं बदलते, नहीं बदल सकते। तो उसके बाद ना मैं आपसे ऐसी चीज़ें पूछता हूँ, जैसे इसमें बहुत टाइम से यही वाला मीटर आ रहा है, इसमें अपडेट आया ही नहीं है कभी से, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे खलती नहीं है कि भाई कल को इसका नया अपडेट आ गया तो मैं क्या करूँगा? सच बोलूँ तो मेरे को नहीं होता। अच्छा, क्योंकि जो रेट्रो लुक होती है ना, उसका चार्म ही अलग होता है। आप कहीं पर भी अगर जाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाइक है आई कैचिंग। कहीं पे भी जाओगे भाई, रोड प्रेजेंस इतनी बढ़िया है इसकी, आपको लगेगा कि आप किसी सुपर बाइक पे बैठे हो। बिल्कुल, रोड प्रेजेंस में तो बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, उसके हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है। तो भाई जिसको भी देखो, मतलब एक क्लासिक रेट्रो लुक पसंद है ना, तो बाइक आज भी उस चीज़ में पूरी टॉप नॉच है, और कल को इसका अपडेट भी आता है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ अपडेट किए जाएंगे, लुक्स ऑलमोस्ट यही रखे जाएंगे, है ना। तो भाई अब ना मयंक भाई एक चीज़ ये बताइए, आपने इसके कॉम्पिटिशन में कोई स्पोर्ट्स बाइक भी देखी थी? नहीं। अच्छा, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि लेनी ही रॉयल एनफील्ड थी। ठीक है, तो भाई देखो यही होते हैं डाई हार्ड रॉयल एनफील्ड फैंस, है ना, मतलब एक बार चीज़ पसंद आ गई तो चीज़ वो लेके छोड़ेंगे, और मयंक भैया ने ना कुछ ऐसा ही काम किया है। तो मयंक भैया अब ना बाइक में जैसे जो भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं और जो भी फीचर्स मिलते हैं, एक बार ना सारी उन चीज़ों की बात करेंगे। तो फ्रंट से जैसे शुरू करता हूँ मैं, इसमें ना हेलोजन लाइट आती है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लगती होगी कि भाई इसमें इतने पैसे देने के बाद भी हेलोजन लाइट मुझे देखने को मिली, तो आपने कुछ चेंज वगैरह करवाया या आप हेलोजन पे चला रहे हैं? मैंने चेंज करा। अच्छा, हेलोजन का रिस्पॉन्स कैसा था? हेलोजन का यार एक नॉर्मल के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए ना वो ठीक है, लेकिन जिसको अब टूरिंग वगैरह पे जाना है, जिसको लॉन्ग ड्राइव्स करनी है, उसके लिए मेरे हिसाब से हेलोजन ठीक नहीं है, क्योंकि उसका थ्रो इतना अच्छा होता नहीं है। अच्छा, कंपेयर टू एलईडी। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें अभी नाइट आई की एलईडी लगा रखी है। अब मेरे को ये था कि जब हेडलाइट में मैंने एलईडी इंस्टॉल करा है, तो फिर मेरे को ये भी था कि यार इंडिकेटर को भी करा जाए, तो इंडिकेटर में भी मैंने फिर एलईडी बल्ब इंस्टॉल करे सारे। तो एक बार आप जला के दिखा दीजिए सभी को, देख लो भाई इसमें हेलोजन बल्ब नहीं लगा हुआ है, इसमें नाइट आई की एलईडी लगी हुई है, और इसमें भी देख लो यहाँ पे इस तरीके के हैजार्ड्स भी हैं इसके अंदर। हाँ जी। अच्छा, तो एक बार आप जला दीजिए, तो देख लो भाई अब ओवरऑल ऐसा लुक निकल के आ रहा है, मतलब भैया ने बोल दिया कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो गाइज अब ना अगली चीज़ पे जंप करते हैं, मतलब अब ना सीधी इसकी ब्रेकिंग पे आते हैं। तो एक बार ना मयंक भैया हमें ब्रेकिंग रिस्पांस के बारे में बताइए, मतलब इतने पैसे देने के बाद आपको ऐसा लगता है ब्रेक अच्छी होनी चाहिए थी या ब्रेक ऑलरेडी अच्छी है? देखो डेली यूज़ के लिए तो ब्रेक ठीक है, ओके, बट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बाइट होना चाहिए था, क्योंकि एक 650 cc की मोटरसाइकिल है, उसका वेट है करीब 214 किलो अगर आप फ्यूल वगैरह फ्यूल टैंक करते हैं तो। बिल्कुल, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि ब्रेक और बेटर हो सकती थी। तो अंडर कॉन्फिडेंट जरूर से लगता है यहाँ पे, थोड़ा सा लगता है। तो भाई एक चीज़ ना आप इसमें देख लो, इसमें ना सामने भी मतलब इतनी हैवी बाइक है, और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पिस्टनों की जगह और है, तो यहाँ पे ना 4 पिस्टन कैलिपर होना चाहिए था, जबकि आपको इसमें सिर्फ आगे भी 2 पिस्टन कैलिपर ही मिलता है, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को ज़रूर से थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। उसके बाद मयंक भैया हमें ना इसके सस्पेंशन रिस्पॉन्स बताइए। सस्पेंशन रिस्पॉन्स यार फ्रंट का तो मैं बोलूँगा कुछ खास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, क्योंकि जैसे आप ड्राइव करते हैं, आप किसी गड्ढे वगैरह में आ गए, कुछ हो गया, तो फ्रंट वाला जो है ना वो बॉटम आउट करता ही है। अच्छा, मतलब पूरा दब जाता है? पूरा दब जाता है वो अंदर, आपको ऐसा ठंड वाली फीलिंग आती है। तो कई बार क्या होता है भैया, जैसे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, तो बाइक हमारी झूलती है। हाँ, तो ये झूलती है हाई स्पीड पे, हाई स्पीड 120 थोड़ा होता है। ठीक है, होता है, ठीक है। उसके बाद वॉबलिंग इशू जो आता है ना वो है उसमें। अच्छा, वॉबलिंग इशू भी है इसके अंदर। हाई स्पीड पे जाते हो तो ये हैंडल आपका ऐसे ऐसे हिलता है। हाँ, अगर आप हैंडल छोड़ दो हाई स्पीड पे 120 के आसपास, तो थोड़ा सा ऐसा हिलता है वो। तो आपने ये इशू रॉयल एनफील्ड को रिपोर्ट किया था? मैंने करा था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जब सेकंड सर्विस पे आएंगे उसको इम्प्रूव करेंगे, कुछ करेंगे वो कह रहे थे। अच्छा, तो वो करवाना है,
तो अभी बस मैं वही वेट कर रहा हूँ सेकंड सर्विस का टाइम आए, ठीक है, तब उसको हम करवाएंगे। ठीक है, तो अब ना थोड़ा इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, है ना। तो इंजन जैसे इसमें 650 cc का है और आपको ऑयल कूल्ड मिलता है और एयर कूल्ड मिलता है, लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती है, तो इंजन हीटिंग की कोई समस्या आपको लगती है इसके अंदर? इंजन हीटिंग यार फील तब होती है जब आप ट्रैफिक में होते हो। ओके, क्योंकि जैसे आप चलाते हो तो ऑब्वियसली इंजन तो हीट अप हो गए, लिक्विड कूलिंग है नहीं बाइक में, तो ये जो सेक्शन होता है ना आपका पैर का, वो ऐसा हीट अप करता है मतलब पूछो मत। उसके बाद सीट पे बैठने से नीचे से भी ऐसे हीटर लगता है नहीं लगता है? खड़ी में लगता है। अच्छा। चलती में नहीं लगेगा आपको? ठीक है, खड़ी में तो लगता है। तो हाफ पैंट्स पहन के चला सकते हैं? नहीं चला नहीं, सकते। हाफ पैंट पहन के नहीं चला सकते। अच्छा, लॉन्ग राइड पे हाफ पैंट पहन के ट्रैफिक में चला देगी? मतलब ही नहीं। तो मैं भैया आप ना हमें इसके गियर शिफ्ट्स कैसे हैं, मतलब जैसे 6 speed मिलता है इसके अंदर, तो क्लच लाइट है, क्लच हार्ड है या फिर गियर हार्ड है, कुछ ऐसी समस्या दिखती है आपको इसके अंदर या स्मूथ है? क्लच थोड़ा सा हैवी है। क्लच हैवी है, वो तो कंपनी से जैसा है वैसा ही है वो तो। इसके अंदर स्लिपर क्लच आता है? स्लिपर क्लच आता है इसके अंदर। फिर भी हैवी है? फिर भी थोड़ा सा हैवी लगता है मेरे को। ठीक है, जैसे आप अगर ट्रैफिक में चल रहे तो थोड़ी देर बाद आपकी फिंगर्स वगैरह थोड़ा पेन करना होता है, उसमें पेन होता है। प्लस जो गेयरिंग है, गेयरिंग वैसे ठीक है, कोई इशू नहीं है, गेयरिंग स्मूथ चलते हैं आराम से, कोई इशूज नहीं है इसमें। तो जैसे पहले रॉयल एनफील्ड में देखते थे गियर वगैरह अटकते थे, इसमें अटकते हैं? इसमें अटकते हैं अगर आप बहुत जल्दी गियर्स शिफ्ट डाउन करते हैं ना, उस केस में अटकते हैं। अच्छा, वैसे नहीं अटकेंगे। अगली चीज़ पे आता हूँ मैं, अगली चीज़ मुझे इसका सीटिंग कम्फर्ट, फुटपैक की पोजिशन, पिलियन के लिए कैसा है, उस चीज़ के बारे में एक बार बताएंगे? पिलियन का तो कम्फर्ट लेवल नहीं है, ये तो स्ट्रेट पॉइंट में आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। सीट वगैरह बाहर से मतलब कस्टमाइज सीट का भी ऑप्शन आता है ना रॉयल एनफील्ड से? रॉयल एनफील्ड का आता है, टूरिंग प्रीमियम सीट होती है वो। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 3500 के आसपास कॉस्ट करती है। ओके, तो कॉर्नरिंग करते हुए, लिटाते हुए, थोड़ा झुकाते हुए भी ऐसे लगता हो कि भाई नहीं इससे ज्यादा नहीं वॉबल कर जाएगी? वो इस वजह से एक्चुअली लगता है कि वॉबल कर जाएगी, क्योंकि वो टायर की वजह से, पावर की वजह से आपको कभी नहीं लगेगा। तो टायर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और थोड़ी बेटर ग्रिप होनी चाहिए। ओके 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 ओके, और ट्यूबलेस हो तो मजा ही आ रहा है। इसकी सर्विस के बारे में बताओ, कितनी सर्विस फ्री मिली थी और कितनी कॉस्ट आएगी लेबर चार्ज हटा के जो आपने अभी करवाई होगी? एक अभी मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी, उसमें मेरे को लगे थे 3100 के आसपास। 3100? हाँ, वो फर्स्ट सर्विस थी। हाँ हाँ, तो उसमें लगे थे क्योंकि उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था, करीब करीब 2000 का तो इंजन ऑयल ही था, लेबर कॉस्ट नहीं थी उसमें। तो 3100 तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जा रहा है ना? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फर्स्ट सर्विस वैसे भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती ही है। ओके, तो ओवरऑल सर्विस को कैसा रेट करेंगे, भीड़ थी, बिहेवियर कैसा था? मेरे हिसाब से परफेक्ट सर्विस थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिसने मेरी बाइक पे काम करा था सर्विस के लिए, वो बंदा एक तो प्रोफेशनल, वो बंदा था ही बेसिकली जीटी के लिए, टू बी ऑनेस्ट, जीटी और इंटरसेप्टर। अच्छा, इनके लिए अलग से सर्विस मैन है? सर्विस मैन है वहाँ पे। अच्छा, ये तो काफ़ी सही चीज़ लगी यार मुझे तो। और जहाँ तक रही सर्विस की, सर्विस ड्यूरेशन की बात, तो 1 to 1.5 hours में, मैक्सिमम 2 hours में आपकी बाइक सर्विस होके मिल जाती है आपको। अच्छा, इशू नहीं होता। तो चलो ये काफ़ी सही चीज़ है भाई, मतलब सर्विस में डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड ना काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो सर्विस में हमारे मयंक भाई को भी कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मयंक भाई एक लास्ट चीज़ हमें बता दीजिए, सर्विस से पहले या सर्विस के बाद कुछ माइलेज वगैरह में फ़र्क आया, और अभी कितने का माइलेज दे रही है बाइक? इनिशियली जब सर्विस करवा के मैं निकला था एंड जो मैंने फर्स्ट फ्यूल अप कराया था उसके बाद, तब मेरी फुल टैंक पे ऑलमोस्ट 21 के आसपास की माइलेज आई थी। फिर जब थोड़ा चला लिया मैंने, 1200 kilometers हो गए थे, तब मैंने दोबारा करी थी, तब 22.5 की माइलेज निकाली थी सिटी में। सिटी में? हाँ, और 650 cc के हिसाब से तो बहुत अच्छी माइलेज है, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। फिर मैंने एक हाईवे पे निकाली थी, तब हाईवे पे मेरे को इसने दी थी 25 की। तो गाइज देख लो भाई, 650 cc है और ट्विन सिलेंडर है, उसके बाद भी मतलब भाई ने क्लेम कर दिया है कि 18 से 21 का लगा लो सिटी के अंदर, उसके बाद भाई 25 तक का लगा लो हाईवे के ऊपर। तो ओवरऑल भाई काफ़ी सही मतलब एवरेज दे रही है बाइक। तो मैंग भाई आप ओवरऑल कितना सेटिस्फाइड है अपने इस परचेज से? अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट करूँ तो 8 सेटिस्फाइड हो, और ये 2 की कमी आपको उन्हीं नेगेटिव्स की वजह से लगी जो आपने गिनवाए हैं? तो गाइज यही थी कुछ आज की हमारी वीडियो इसी कॉन्टिनेंटल GT 650 के ओनरशिप एक्सपीरियंस की, और मैं होप करता हूँ कि भाई मयंक भाई ने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी हैं, और आपको जरूर से एक माइंडसेट बन गया होगा कि आखिर आपको अब ये बाइक लेनी चाहिए या इसी प्राइस रेंज में, इसी परफॉर्मेंस में आने वाली कोई और बाइक पे आपको अपग्रेड या अपशिफ्ट करना चाहिए। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद भाई आपके जो भी कमेंट्स हैं ना, सजेशंस अपने, ज़रूर से कमेंट्स में डालना, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उन सारी चीज़ों को सुधार सकें, वो सारी कमियाँ
इच्छा पूरी कर सकें। तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी अगली बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।